आम आदमी पार्टी के नेता रहे मशहूर कवि कुमार विश्वास के सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट के आरोप लगे हैं। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि गाजियाबाद से अलीगढ़ निकलने के दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर किसी अज्ञात ने हमला किया था। बता दें कि कुमार विश्वास को वाई पास कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इससे पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, जिसके बाद बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई। अब उनके साथ आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के 5 स्टैटिक जवान भी विश्वास की सुरक्षा में लगे हैं। कुमार विश्वास को ये सिक्योरिटी तब मिली थी जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया था। इसके बाद से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास की अरविंद केजरीवाल से अनबन की बातें जगजाहिर हैं। हाल ही में पंजाब चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने केजरीवाल के खालिस्तानी समर्थक होने का दावा किया था। उनके इन आरोपों के बाद केजरीवाल ने उन पर पलटवार भी किया था। इस घटना के बाद कुमार विश्वास ने दावा किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सिक्योरिटी की समीक्षा की और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। बाद में सुरक्षा को बढ़ाकर वाई प्लस कर दिया गया। कुमार विश्वास की सुरक्षा में फिलहाल आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात हैं। इनमें से 5 पुलिस के स्टैटिक जवान सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। इसके साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में उनकी सुरक्षा देखते हैं। देश में सुरक्षा उन खास लोगों को दी जाती है जिनकी जान को जोखिम होता है। खतरे का स्तर जिस तरह का होता है उसी तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है। खतरे को देखते हुए सुरक्षा श्रेणी को मुख्य रूप से 6 कैटेगरी में बांटा गया है।